हेलो स्टूडेंट्स एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है चलिए आज हम करते हैं क्लास सिक्स की वर्कशीट नंबर ट्वेंटी टू और इस चैनल पर मैं आपको बता दूं कि आपके सारे वर्कशीट अब पहले से अपलोड हो जाया करेंगे आप लोग उन्हें देख लेंगे पिछले सप्ताह में कुछ अनियमितता हुई है जो कि शादी ब्याह का मौसम होने की वजह से और उसमें हम लोग भी इन्वॉल्व थे जिसकी वजह से सारी वर्कशीट हम लोग अपलोड नहीं कर पाए तो चलिए अब से हम सारी वर्कशीट आपको पहले ही आ, अवेलेबल करा दिया करेंगे आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए तो आज हम कक्षा छः के सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत भाग एक को पढ़ेंगे और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह अध्याय सात नए प्रश्न नए विचार संघ के बारे में पढ़ेंगे यह बौद्ध धर्म से रिलेटेड बातें हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक आप जानते हैं कौन थे बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा बुद्ध और महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी वो बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था जिसे कि हम लोग बोधि वृक्ष कहते हैं और तब से उन्होंने लोगों को उपदेश देना शुरू किया और एक नए धर्म के की स्थापना की बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म एक में एक संघ होता था और संघ एक ऐसा संगठन था जहां ज्ञान प्राप्ति के लिए घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके तथा ध्यान अभ्यास कर सके मतलब संघ वैसी लोगों का संगठन था जो महात्मा बुद्ध की तरह ज्ञान प्राप्ति के लिए घर का त्याग किए हों तो उनके रहने की व्यवस्था की जाए वो एक जगह रहें वहाँ शांतिपूर्ण माहौल हो और सभी ध्यान कर सकें आराधना कर सकें साधना और उपासना कर सकें संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बौद्ध लोग भिक्षु होते थे क्योंकि वो उनकी अपनी कोई संपत्ति नहीं होती थी और वो मांग कर खाते थे तो इसीलिए उनको भिक्षु कहा जाता था तो संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पीटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं बौद्ध धर्म में तीन पीटक हैं आप लोग याद रखिएगा विनय पीटक सुप्त पिटक अभिधम्म पीटक, पीटक। यहाँ विनय पीटक पहला ग्रंथ है दूसरा है सुप्त पिटक और तीसरा है अभिधम पीटक अभिधम पीटक तो ये विनय पीटक नामक एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कि नियमों की श्रृंखला है और वह नियम किसके लिए है तो संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए इसमें बताया गया है विनय पीटक में कि किस तरह से बौद्धों को भिक्षुओं को रहना है कौन कौन से नियम और आचरण के पालन करने हैं क्या करना है क्या नहीं करना है सारी बातें विनय पीटक में कही गई हैं विनय पीटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी मतलब कि संघ में पुरुष अलग रहते थे और स्त्रियां अलग रहती थीं संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे इनकी कोई बस रोटी कपड़ा और मकान के अलावा और कोई आवश्यकता इनकी नहीं थी वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे वे भिक्षा मांग कर लाते थे जो भी मिलता था उसी से भोजन करते थे उससे ज़्यादा की आवश्यकता उन्हें नहीं थी वे प्रायः आपस में बैठ के भी किया करते थे मतलब मीटिंग करते थे और उसमें वो ज्ञान पर चर्चा करते थे बातचीत करते थे उन्हें भिक्खु भीखू तथा भिक्खुणी कहा जाता था भिक्खु जो मेल होते थे जो पुरुष होते थे उनको भिक्खु कहा जाता था और औरतों को भिक्खुणी कहा जाता था सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे सभी व्यक्ति संघ में, में प्रवेश ले सकते थे हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से दासों को अपने स्वामी से राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी इन सभी अनुमतियों के बाद ही कोई उस संघ में प्रवेश कर पाता था एक स्त्री के लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी अगर कोई स्त्री संघ में प्रवेश करना चाहती थी तो उसे अपने पति से अनुमति लेनी होती थी बौद्ध धर्म जो था बौद्ध धर्म में यह हिंदू धर्म के में बढ़ते परंपराओं और रूढ़िवादियों के ख़िलाफ़ ब्राह्मणवाद के खिलाफ उठाया गया एक कदम था और इसमें बहुत ही सरल तरीके से ईश्वर साधना या फिर ज्ञान प्राप्ति के मार्ग को बताया गया और फिर महात्मा बुद्ध के बहुत सारे अनुयायी हुए जो कि महात्मा बुद्ध के बताए गए रास्तों पर चलने लगे तो उन्हीं लोगों से संघ का निर्माण किया गया था और संघ में प्रवेश के नियम संघ में रहने के नियम संघ में व्यवहार करने के नियम ये सब कुछ विनय पीटक नामक ग्रंथ में लिखा गया था तो इस तरह से हमने अपने वर्कशिट में देखा जो कि नए प्रश्न नए विचार संघ से आधारित है और इसमें अब कुछ प्रश्न भी हैं यहाँ तीन प्रश्न दिए गए हैं पहला प्रश्न है कि संघ किन लोगों के लिए बनाया गया था और दूसरा प्रश्न है संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम किस ग्रंथ में मिलते हैं तीसरा प्रश्न है संघ में प्रवेश लेने वाले व्यक्ति कैसा जीवन जीते थे तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं यहाँ पहला प्रश्न है संघ किन लोगों के लिए बनाया गया था तो इसका उत्तर है ज्ञान प्राप्ति के लिए घर का त्याग करने वाले लोगों के रहने के लिए संघ बनाया गया था उसके बाद दूसरा प्रश्न है संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियम किस ग्रंथ में मिलते हैं तो इसका उत्तर है संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियम विनय पीटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं मैंने आपको बताया है कि बौद्ध धर्म में तीन पीटक थे विनय पीटक शुद्ध पीटक और अभिधर्म पीटक तो विनय पीटक नाम का जो ग्रंथ था वह संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए उसमें नियमावली थी नियम बनाए गए थे और उसके बाद प्रश्न तीन और अंतिम प्रश्न है संघ में प्रवेश लेने वाले व्यक्ति कैसा जीवन जीते थे तो इसका उत्तर है संघ में प्रवेश लेने वाले व्यक्ति सादा जीवन जीते थे वह अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और शहरों तथा गाँव में जाकर भिक्षा मांगते थे वह प्रायः आपस में बैठ के भी किया करते थे तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्षिट और आज के वर्षिट में हमने बौद्ध धर्म के संघ के बारे में जाना है हम लोगों ने जैन धर्म और बौद्ध धर्म की चर्चा की उसकी पढ़ाई करी और इन दोनों धर्मों से परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न आते हैं इसलिए आप इनका व्यापक अध्ययन कीजिएगा और बहुत ही गहराई से इसका अध्ययन कीजिएगा ताकि कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटे तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वर्सिप में थैंक